मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा भारतीय संविधान में अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से पहले हमें मूल अधिकारों के बारे में जानना आवश्यक होता है। मूल अधिकार अपना चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्य। कर्तव्य क्या होता है? देखो, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ जुड़े होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, स्कूल का अधिकार है कि वो आपसे फीस प्राप्त करे, और दूसरा स्कूल का कर्तव्य है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। तो जब कभी भी हमें किसी चीज का अधिकार मिलता है, तो हमें उसके साथ साथ उसके कर्तव्य भी जरूर मिलते हैं। लोग अपने अधिकारों के बारे में तो जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को वो भूल जाते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार को तो हमारे संविधान में शामिल कर लिया था, लेकिन मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल नहीं किया था। फंडामेंटल राइट्स को तो शामिल किया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में शामिल नहीं किया था। इंदिरा गांधी की सरकार को ऐसा लगा जब उन्होंने आपातकाल लगाया, उसके बाद में और सारा देश, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि लोग अपने अधिकारों के बारे में तो जागरूक है, लेकिन लोग अपने कर्तव्यों के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए हमारे संविधान में एक समिति बनाई थी। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। दुनिया में जितने भी संविधान है, उन संविधानों में सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में जब हमने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था, तो हमने किस देश से प्रभावित होकर के मूल कर्तव्यों को अपनाया? हमने अपनाया रूस देश के संविधान से प्रभावित होकर के हमारे संविधान में हमने मूल कर्तव्यों को अपनाया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको हमने किस देश से शामिल किया था? रूस से शामिल किया था। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हमने किस देश से अपनाए थे? हमने अमेरिका से अपनाया था। मूल अधिकार अमेरिका से, और मूल कर्तव्य किस से? रूस से। आज हम बात करें किसकी? मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्य हमने किस देश से शामिल किए थे? मूल कर्तव्य हमने शामिल किए थे रूस के संविधान से। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो रूस के संविधान से प्रभावित होकर के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैंने मूल कर्तव्य की मेन बातें शॉर्ट कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये जरूर याद रखना है जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और लाइन वो क्रम आप ऐसे लिखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो सकते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको एक बार सुनना है, दो मिनट के लिए देखना ये लाइन आप किस प्रकार बना सकते हो। जब आपके 12th के एग्जाम में मूल कर्तव्य को लेकर के जब क्वेश्चन आते हैं, देखिए, भारतीय संविधान ने रूस के संविधान से प्रभावित होकर के हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा था। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। देखो, दो संविधान संशोधन इंपोर्टेंट है, एक तो है 42 और एक है 44। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो 42वां तो हुआ था क्षेत्र में, और 44वां कब हुआ था? 1978 में। तो देखो, 42 और 44 के अंदर दो का फर्क है, और 76 और 78 में दो का फर्क है। तो 42वां कब हुआ था? क्षेत्र में, और 44वां कब हुआ था? 1978 में। तो हम कौन से संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? हम 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान को लगभग बदल करके रख दिया था, है ना। संविधान की बहुत सी चीजें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बदल दी गई थी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर रूस देश से हमने क्या अपनाया था? मूल कर्तव्यों को अपनाया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया चैप्टर जोड़ा गया। उस चैप्टर का नाम क्या है? भाग 4 का है। ये 4 रोमन संख्या में ही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य को जब हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसके लिए हमने संविधान में अलग से चैप्टर जोड़ा था। देखो, जो 4 नंबर चैप्टर है वो किसकी बात बताता है? 4 नंबर जो चैप्टर है वो बात बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, और जो 3 नंबर चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मूल कर्तव्यों की बात करता है। तो 3 में तो क्या था? 3 में था मूल अधिकार, और 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान जो जब हम ये मूल कर्तव्य बना रहे थे, तो हमने एक नया भाग जोड़ दिया, 4 क। तो भाग का नाम क्या है? 4 क।
तो जब हमारे संविधान में हमने मूल कर्तव्य को जोड़ा तो हमने एक नया भाग जोड़ा, उस भाग का नाम क्या था, भाग चार क, और इसके लिए हमने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, एक नया आर्टिकल जोड़ा, उस आर्टिकल का नाम क्या था 51A, है ना, 51 क, आर्टिकल का नाम क्या 51 क, भाग कौन सा जोड़ा, भाग चार का जोड़ा, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा 51 क, और उस समय हमने कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़, मूल कर्तव्यों को शामिल किया था 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया था, कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था 10 मूल कर्तव्यों को हमने शामिल किया था। जब सबसे पहली बार हमने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया था तो हमने कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े थे, हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, ठीक है। उसके बाद में हमने हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, कौन सा मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य है, जिस 11वां मूल कर्तव्य क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, कितने से कितने तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये 11वां मूल कर्तव्य हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया था। तो 11वां मूल कर्तव्य कब शामिल किया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और मूल कर्तव्य कब जोड़े हमने, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कितने जोड़े थे पहली बार में 10 जोड़े थे, कौन सा भाग जोड़ा था, भाग चार का, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा था, अनुच्छेद 51 का हमने हमारे संविधान में क्या जोड़ा था। किस देश से हमने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था, हमने रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को क्या किया था, शामिल किया था। तो ये मेन मेन बातें हैं किसको लेकर के, मूल कर्तव्य को लेकर के। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से हमने शामिल किया था। इसके लिए शामिल करने से पहले हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हमने 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा था। इसके लिए संविधान में एक नया भाग, भाग चार क, एक अनुच्छेद नया, कौन सा, 51 क जोड़ा था, किस संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को हमने संविधान में शामिल किया था। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने जोड़ा था। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मूल कर्तव्य है, जो थोड़े मैं आपको दो चार बोलता हूँ, बाकी जो 11 के 11 मूल कर्तव्य, 11वां तो आपको याद है, 10 के 10 मूल कर्तव्य आपको रटे हुए होने चाहिए आपकी बुक में, आप 10 के 10 मूल कर्तव्य रट देना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मूल कर्तव्यों के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी में आप या 5 मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको 5 मूल कर्तव्य आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य क्या बातें आती है मूल कर्तव्य में, पहली बात आती है संविधान का पालन करें। हमारे देश के लोगों का जो हमारे देश के लोगों ने जो हमें संविधान बनाया है, तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, राष्ट्रध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का पालन करें, और राष्ट्रध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का पालन करें, और हमारी आजादी से लेकर के हमारी आजादी को प्राप्त करने में हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उन सभी आदर्शों को अपने दिल में संजो रखें, है ना। जो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी मतलब हमारे हमें देश को आजादी दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों का सम्मान करें, उन व्यक्तियों ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमें इतिहास में पढ़ाई जाती है, उन सभी का हम क्या करें, पालन करें। ये बात किसके अंदर बात करता है, ये बात करता है मूल कर्तव्यों के अंदर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब हो गया भारत किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएगा, मतलब भारत अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है। तो भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, भारत की एकता की रक्षा करें, है ना। हमें देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमें हमारे देश को क्या रखना है, एक रखना है। हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता का क्या करें, पालन करें, ठीक है। इसके बाद में आता है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारे देश की रक्षा करें, रक्षा करने का मतलब यह है कि हमारे देश में अभी वजह से मान लो कोरोना की लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है, तो उसमें जो भी आप सहयोग दे सकते हैं वो आपको सहयोग देना चाहिए। आप क्या सहयोग दे सकते हैं, घर पे बैठ करके आप कहीं बाहर नहीं निकले, किसी दूसरे को नहीं निकलने दें, आपके अगर ये पास कोई आया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, अगर उसने मतलब अपना चेकअप नहीं करवाया तो आप देश की क्या करें, रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आपको देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मूल कर्तव्य। दूसरी चीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करें। आपकी जो सोच है वो होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, और तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें, पालन करें, वैज्ञानिक सोच का क्या करें, पालन करें। आगे आता है इसके प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत नदी नाले,
है ना, प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करें, सुरक्षित रखें, साफ रखें, जिसमें हमारी नदियां नाले हैं। तो ये कुछ दो चार पांच मैंने आपको मूल कर्तव्य बताए हैं, वो मूल कर्तव्य आप अपने बुक से देख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन जो बेसिक जो बातें मूल कर्तव्य की वो यही बातें हैं। तो एक बार दोबारा आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, कौन सा भाग जोड़ा गया है, ना कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, कितने जोड़े गए थे, 11वां मूल कर्तव्य क्या था। तो 11वां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या, निःशुल्क शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को लेकर के जो आक्षेप है वो ये लगाया जाता है कि मूल कर्तव्य जो है वो उनको लेकर के आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे मूल कर्तव्य के अंदर बात की कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, और अगर आप मान लो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करते हो तो आपको जेल नहीं हो जाएगी। तो मूल कर्तव्य को लेकर के सरकार आप पे केस नहीं कर सकती है अगर आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो, ठीक है। तो मूल कर्तव्य मतलब आपके उत्तरदायित्व को बढ़ाते नहीं है, है ना, लेकिन ये संविधान में जोड़ दिया गया है ना, जोड़ दिया गया, लेकिन इसको लेकर के आप मतलब कोर्ट में सरकार आप पे केस नहीं कर सकती, आप किसी दूसरे व्यक्ति पे केस नहीं कर सकते हैं, बस इनको संविधान में केवल जोड़ा है, कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है मूल कर्तव्य को लेकर के, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य को लेकर के कोई भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये मूल कर्तव्य आक्षेप लगाए जाते हैं कि मूल कर्तव्य, ये आक्षेप लगाया जाता है कि मूल कर्तव्य जो है उनको आपने संविधान में जोड़ा, लेकिन उनको कानूनी कार्रवाई से आपने उनको क्या कर लिया, बचा लिया, तो लोग इनका क्या है अक्षरशः पालन नहीं करते हैं, जबकि पालन करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं तो लोगों को मूल के बारे में भी उनको उतना ही जागरूक करना चाहिए, उनको उतना ही मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए, उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए मूल कर्तव्यों को निभाने में, लेकिन जो कि नहीं है, है ना। तो ये मूल कर्तव्यों पे क्या लगाए जाए, आक्षेप लगाए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कल मैं आपको बताऊंगा मूल अधिकार, जिनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था मूल कर्तव्यों का, ठीक है, थैंक यू।